स्वागत है आपका फेल स्टडी मंत्रालय टिप चैनल पे। साथ ही यूपी ट्रिपल सी बीडीओ री एग्ज़ाम जो आपका 26 और 27 जून को होने वाला है, मैं आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी और आप एक सीट इस बार लेके जाएंगे। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ा सवाल ये है कि ट्रिपल सी सर्टिफिकेट की ज़रूरत है या नहीं। देखो ट्रिपल सी सर्टिफिकेट आपके पास है तब भी ठीक है और नहीं भी तब भी ठीक है, क्योंकि समकक्ष वाला बहुत सारे यूट्यूबर्स ये बोलते हैं समकक्ष मान्य नहीं होगा। और मैंने बार बार उदाहरण दिया कि मैंने खुद का डीबी कराया था, मैं खुद बीटेक हूँ और मैंने खुद का डीबी कराया था पिछली बार इसमें 2018 वाले में जो तुम्हारी वीडियो भर्ती है उसमें। और आज मैं आपको प्रूफ भी दिखा दूंगा और ये कोई वैसा नहीं है, आप खुद जाके भी डाउनलोड कर सकते हो इसकी यूपी ट्रिपल एससी की साइट पर जियो पड़ा हुआ है उसी से। ठीक है, ट्रिपल सी के बारे में जो समकक्ष है उसके बारे में अर्हता के बारे में सारी चीज़ दी गई है कि भाई कोई व्यक्ति अगर बीटेक किया है, एमसीए किया है, बीसीए किया है तो उस पर तो ट्रिपल सी से अच्छी मतलब डिग्री है, या समझ लो ट्रिपल सी एक साधारण सा कोर्स है 3 महीने का 6 महीने का, और उससे ओ लेवल है, ए लेवल है, तो वो बेहतर है इससे। ठीक है, तो व्यक्ति आराम से इस परीक्षा में डीबी करा पाएगा और उसकी जॉब लग जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखो कहीं लोग जो भ्रामक खबरें बना रहे हैं। अब देखो सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि जिसके पास नहीं है वो बेचारा तैयारी भी नहीं कर पा रहा, असमंजस में है कि तैयारी करूँ कि ना करूँ। सीधी बात ही है कि मेरे पास ट्रिपल सी है ही नहीं, तैयारी करके करूँगा क्या, पेपर दियाऊँगा इसी प्रकार से, तो होना कुछ जाना कुछ है नहीं। अभी मैं सारी चीज़ दिखाऊँगा आपको, टेंशन मत लो सारा चीज़ जितनी भी है। और तुम्हारा वीडियो में इस बार अगर आपको 2 से 10 से 2 से 14 मार्क्स ले आओगे, पिछली बार की तरह ट्रेंड है पूरा का पूरा, तो आपकी जॉब 100% फाइनल हो जाएगी, रोक नहीं पाएगा कोई। अगर मैं नहीं कहता हूँ कि 250 ले आओ 300 ले आ रहे, कोई मूर्खता की बातें हैं ये, 250 जो करते हैं ना बकवास यूट्यूब पर वो उनके कभी 200 भी ना आए होंगे, इसलिए बकवास ज़्यादा करते हैं। सही बात तो यही होती है, जो परीक्षा देता है फेस करता है उसको मालूम होती है कि कितनी डिफिकल्टी है और 1/2 की नेगेटिव मार्किंग है। तो सबसे पहले अब जियो पे आता हूँ जो आपको देख लेना चाहिए, और चाहो तो आप डाउनलोड करके रख लेना अपने पास में, जिसे मालूम पड़े कि बाद में कोई दिक्कत आपको ना हो। ठीक है साथी, आते हैं। देखो साथियों, ये जो हमारा मुकुल सिंघल अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में, मतलब पूरा का ये देख सकते हो आप, ये डोएक के लिए ही है, DOECC डोएक वाला जो सोसाइटी से प्रमाण पत्र मिलता है ट्रिपल सी वाला, उसी के समकक्ष में ये कोर्ट केस किया गया था और उसी में ये समकक्षता का विवरण था वो उसके संबंध में अवगत कराने के लिए कहा गया था। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा हूँ, आप जाओगे यूपी ट्रिपल सी की साइट पे तो वहाँ पर जाके जो जियो है इंपॉर्टेंट जियो उसमें जाके स्टूडेंट हेल्प में जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बहुत सारे साथी ये पूछ रहे थे कि हम पर ट्रिपल सी नहीं है तो क्या होगा, और बहुत सारे लोग कमेंट में ये कहते हैं ट्रिपल सी के बिना डीबी होगा ही नहीं, तो ये सारे कन्फ्यूजन आप दूर कर लो और अच्छे से पेपर दो तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि ट्रिपल सी की आवश्यकता है और नहीं भी है, दोनों ही चीज़ें। ट्रिपल सी है तो ठीक है, नहीं है अगर समकक्ष है आपके पास में कुछ तो आपको जरूर से जरूर इसमें पेपर अच्छे से देना चाहिए। अब देखो सारा पढ़ के सुनाता हूँ मैं यहाँ से। कनिष्क सहायक आशुलिपिक एवं समस्त राजाधीन लोक सेवाओं और पदों जिन पर चयन हेतु डोएक सोसाइटी जो बोध रखा है द्वारा पद्धत ट्रिपल सी प्रमाण पत्र अपेक्षित है के समकक्ष में संबंध में सम संख्यक शासन आदेश दिनांक 3/6/2016। देखो ये शासन आदेश ध्यान रखना, ये वाला 3/6/2016 एवं 23/7/2016 निर्गत किए गए हैं। समकक्षता के संबंध में ही हो रही व्यवहारिक कठिनाइयों को दृष्टिगत ट्रिपल सी प्रमाण पत्र एवं उसकी समकक्ष अर्हता को स्पष्ट करने के लिए सामयिक विचारों उपरांत शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कंप्यूटर में उच्च योग्यताधारी यथा कंप्यूटर में डिप्लोमा डिग्री PGDCA BCA MCA एवं ग्रेजुएशन अथवा उच्च डिग्री जैसे BA हो गया, BCA हो गया, BTEC हो गया, MSc हो गया, MBA हो गया, में कंप्यूटर एक विषय के रूप में हो अथवा सेमेस्टर के रूप में कोर्स धारित करने वाले अभ्यर्थियों को भी प्रसंगत पदों के चयन हेतु अहर माना जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि ये पूरा मैंने पढ़ के दिखाया है और आप इसको डाउनलोड करके जरूर रखो। जो भी साथी जैसे अब नई भर्ती निकली है उसमें भी है इसी प्रकार से, तो ज़रूरी नहीं है आपका ट्रिपल सी हो तभी आप मान रखोगे इस चीज़ के लिए। ठीक है साथियों, तो ये इसके संबंध में दिया गया है। इस संबंध में मुझे यह निर्देश दिया हुआ है कि शासन द्वारा लिया गया उक्त निर्णय का अनुपालन संबंध सुनिश्चित किया जाए। तो ये तुम्हारे
तुम्हारे अपर मुख्य सचिव हैं उनके द्वारा, ये पहले जब 2016 में थे उसके द्वारा ये किया गया था, विवाद के चक्कर में हुआ था सारा का सारा ये। तो ये आपका अगर ट्रिपल सी है तब भी, और किसी जैसे में बीटेक किया है तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होती है, नॉलेज पढ़ाई जाती है, तो आपको कोई समस्या नहीं। एमसीए, बीसीए, पीजीडीसीए, जितने भी डिप्लोमाधारी हैं जिसमें एक विषय में हो या पूरे एक सेमेस्टर में हो, आपको अगर है आपके पास में तो ट्रिपल सी की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। और ये शासन आदेश अपना निकाल के उसमें से, जियो निकाल के यूपी ट्रिपल सी की साइड से अपने उसमें लगा लेना आराम से, कोई समस्या नहीं है। और मैंने आज प्रूफ भी दिखा दिया आपको, क्योंकि रीज़न क्या है, बार बार छात्र यही पूछते हैं कि हमारे पास नहीं है तो हम क्या करें, तैयारी नहीं करें, तो समकक्ष आहर माना जाएगा बिल्कुल 100%। आप इसकी टेंशन मत लो, ये मैंने पहले भी कई बार बता चुका हूँ, मैंने पहले पूर्व में जो वीडियो बनाए थे वीडियो के लिए, तो मैंने ये बताया था कि आपको, जैसे मेरे अब खुद का उदाहरण मैंने कई बार दिया है कि जैसे मेरा बीटेक है तो मेरा हुआ था, तो आपका क्यों नहीं हो सकता, सीधी बात ही है, ठीक है। और आप सोचो कंप्यूटर साइंस से बीटेक, नहीं कंप्यूटर साइंस से नहीं हूँ मैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से बीटेक था, तो इसमें भी हुआ था मेरा, तो इसमें कोई समस्या नहीं है, आपको समझ जाना चाहिए। अब मैंने आपको पूरा का पूरा ब्यौरा दे दिया, तो आपको ये भी मालूम हो जाना चाहिए कि अब आपको तैयारी करनी चाहिए, ज़्यादा समय बचानी है आपके पास में, मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लगाओ, और आपको अच्छे से ये जॉब के लिए पात्र हो जाओगे, आप ये जॉब मिल जाएगी। 210 से 215 के बीच में समथिंग मान लो नंबर लेके आ जाओगे जनरल में, तो जनरल में क्या सभी कैटेगरी की बात की, तो बाद की बात है, वो दिमाग में मत रखना कि भैया हम एससी हैं, ओबीसी हैं, एसटी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं तो हमें कम नंबर पे, नहीं, उसके थ्रू लाओ, फिर तो बाद में हो ही जाएगा जो होना है, ठीक है साथियों। तो मैंने सारी चीज़ें बता दी, और ये सबसे ज़्यादा ट्रिपल सी वाला भी बात था जो आपको अब समाप्त हो जाना चाहिए आपके दिमाग से, ठीक है साथियों, धन्यवाद।